नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर अयोध्या से है, जहां कर्नाटक सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वथ नारायण रामनगर बेंगलुरु के अपने 150 प्रतिनिधियों के साथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले श्री रामलला व हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान भगवान श्री रामलला के बन रहे भव्य मंदिर निर्माण के कार्यों की प्रगति को भी देखा। वहीं रामलला के समक्ष करीब 2 किलो की चांदी की ईंट समर्पित की। सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर सीएन अश्वथ नारायण ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का दर्शन करने के लिए अपने 150 सदस्यों के साथ अयोध्या आए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सभी की इच्छा थी राम मंदिर बनाने की, जो आज बन रही है। मंदिर निर्माण को देखकर हम सभी संतुष्ट हुए। बता दें कि कर्नाटक रामनगर का नाम श्री राम पर ही रखा गया है। यह नगर राम देवरा बेट्टा के चरणों में स्थित है। यह माना जाता है कि रामायण काल में शक्तिशाली वानर राजा सुग्रीव द्वारा यहां राम की मूर्ति स्थापित की गई थी। कर्नाटक राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वथ नारायण ने कंगल हनुमानथिया द्वारा इस स्थान का नाम रामनगर रखा गया था। किंवदंती के अनुसार भगवान राम और माँ सीता के वनवास का कुछ समय राम देवरा में भी व्यतीत किया था। अर्कावती नदी के पास उनके कदम आज भी संरक्षित हैं और उसी के लिए एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया है। उन्होंने उसकी पूजा पहले रामदेवरा बेट्टा और कालेंगल हनुमंतरा मंदिर में की जा चुकी है। रामनगर के रामदेवरा बेट्टा और अयोध्या के बीच एक पारंपरिक संबंध है, इसलिए स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अयोध्या की पावन मिट्टी को राम बेट्टा ले जाया गया। एक डॉक्टर होने के नाते श्री नारायण को यह लगता है कि यह वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह नई पीढ़ी और पूरी दुनिया को भगवान राम के ज्ञान, सात्विक जीवन और राज्य कौशल से परिचित कराएं। आत्मा सानि प्रजा सानि पशु सानि लोका सानि अभय सानि अग्नि ही प्रजां बहुलां मे करोत् वन्दनं पयोरे को आत्मा पादुकंसले गोविंद मुखादगिराजाय जय श्री राम। मर्यादा पुरुष राम जी का दर्शन करने के लिए, उसका आशीर्वाद लेने के लिए, राम राज बनाने के लिए और संबंध सब लोगों से संबंध राम का संबंध है। सब भारतीय लोगों से संबंध राम का है, राम का प्रेरण है, राम का समाज और राम राज्य का निर्माण करने के लिए प्रेरणादायक है। उसका आशीर्वाद लेने के लिए राम जी का आशीर्वाद लेने हैं, इसलिए हम बहुत दूर से आए राम का आशीर्वाद लेने के लिए। और इसका साथ साथ में राम मंदिर का बना रहे, राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हमारा सबसे नेता सम्माननीय प्रधानमंत्री जी उसका नेतृत्व में राम मंदिर बना रहे हैं। सब भारतीय लोग इकट्ठा करके ये बना रहे हैं। पूरा विश्व इसका लुकिंग फॉरवर्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेंपल। इसलिए बहुत शतमान से लोगों का इच्छा था राम मंदिर बनाने के लिए। ये दिन नज़दीक आ रहा है, इसलिए बहुत संतोष लग रहा है, हमको बहुत आनंद लग रहा है ये।